जय भीम साथियों, युवा सख दल की टीम दिल्ली के ट्रामा अस्पताल पर है, जहां पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तरह तरह मची हुई है और बीजेपी सरकार के गुंडे खुलेआम घूमते हैं और उन गुंडों का इस तरीके से संरक्षण उत्तर प्रदेश की सरकार करती है, उन्हें योगी का संरक्षण प्राप्त है। हमारे बीच में बिट्टू भाई हैं। अभी 28 तारीख को एक घटना हमारे गांव हमीरपुर में घटी, जो कि सिकंदराबाद विधानसभा जिला बुलंदशहर में आती है, कि जाटव समाज को पूरी रात पीटा गया, गोलियों से गोलियां चलाई गई, गोलियां दागी गई और अभी तक लोग 4 लोगों को जो है पुलिस ने पकड़ा है, बाकी लोग फरार हैं। और वो भाई जो सुनील है हमारा, अभी आप देख सकते हैं कि ट्रामा सेंटर में भर्ती है, मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, सीरियस हालत है और वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, जूझ रहा है। साथियों, आखिर ये अत्याचार कब तक होते रहेंगे? जब बात बहुजन समाज के हम करते हैं तो मैं अपील करना चाहूँगा उन गुर्जर समाज के लोगों से भी कि बहुजन समाज के नाम से जाटव समाज ने हमेशा बहुजन समाज का सम्मान करा है, चाहे वो मीर भोज का हो, ललित यादव का, पेरियार साहब का, क्यों ना हो। साथियों, हम सभी महापुरुषों को मानते हैं, लेकिन जब बात जाटव समाज की आती है तो इस समाज को हमेशा दबाया जाता है। साथियों, हम पूरे गुर्जर समाज को नहीं कह रहे हैं, हर समाज में कुछ ना कुछ ऐसे समाज तत्व होते हैं साथियों, जो पूरे समाज को बदनाम करने का काम करते हैं। जिस तरीके से आज बीजेपी की सरकार में बैठे हुए उनके लोग उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, साथियों, सरकार बदलती है, कुर्सी वही रहती है, सरकार के मखौटे बदलते हैं साथियों, तो वो समय दूर नहीं है जिस तरीके से इस बहुजन समाज के जाट समाज को दबाया जा रहा है। साथियों, समय घूमता है। मैं अपील करता हूँ गुर्जर समाज के लोगों से कि आप जाएं बुलंदशहर में सिकंदराबाद विधानसभा और हमीरपुर गाँव में भाई सुनील के परिवार से मिलें, जहाँ पर मातम परसा हुआ है। कल हमारे समाज के समाज संगठनों ने ज्ञापन दिए हैं, मांग करी है कि जो पीड़ित परिवार को साथियों आज खाने तक कोई परेशानी से जूझना पड़ रहा है, वो अकेला परिवार था, अकेला भाई था उसमें जो कमाता था। आप देख सकते हैं बिट्टू भाई उनके लड़के हैं जो आज यहाँ पर ट्रामा सेंटर पर बैठे हैं, नीचे बैठे थे, अभी लोग ऊपर आए हैं। और मैं उन बहुजन समाज के संगठनों से अपील करूँगा जो दिल्ली में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के संगठन तो लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई ज्ञापन दे रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर हम बात बाबा साहब की करते हैं कि जो दिल्ली में संगठन है, भाई हमारे बीच में है बिट्टू जी, वो ट्रामा सेंटर में हैं, उनके रहने की ठहरने की व्यवस्था हमारी बनती है, जो हमें करनी चाहिए। साथियों, तो मैं आप एक बार बिट्टू भाई से बात कराने का प्रयास करूँ आप लोगों से कि किस तरीके से वो घटना घटी, किस तरीके से हम लोगों को मारा पीटा जाता है। भाई बिट्टू, हमारे समाज के लोगों में जो दिवाली वगैरह सामान के लिए वो बम गुब्बारे हमारे घरों में आके गिरा रहे थे, तो हमने मना करने पर वो और ज़्यादा हमारे लोगों को पीटने लगे, अपना बिना आवाज के कोई मना करते हुए और पीटने लगे उन लोगों को। फिर उनके साथ में और बचाने के लिए जाते हैं तो उन्हों को भी पीटा जाता है। फिर बम बारिश, ईंटें बरसाई, गोलियां चलाई, हमारे अंकल जी को लगे गोली, उनके भाई के सर फट गया, उसमें टांके आए बहुत सारे, अभी तो किसी पर कार्रवाई नहीं हो, 2-3 जने पकड़े गए हैं। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से लाठी डंडे के बल पे मनुवादी विचारधारा को मनवाने का काम किया जा रहा है। या तो आप पटाखे पटकाइए, काल्पनिक जो है पूजा पाठ कीजिए, अन्यथा आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, ये बुलंदशहर में दिखाने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि साथियों, हम बहुजन समाज का सम्मान करते हैं, हम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को मानते हैं, हम ललित यादव, पेरियार साहब, बिरसा मुंडा साहब, छोटू राम सबकी विचारधारा को मानते हैं, हम मीर भोज को हमेशा आगे रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन साथियों, किस तरीके से गुर्जर समाज के असामाजिक तत्वों ने जो घटना को अंजाम दिया है वो सरासर गलत है। मैं अपील करूँगा अपने गुर्जर भाइयों से कि भाई हम सब लोग एक परिवार के, एक समाज के मुख्य अंग हैं, हम लोग चैन हैं, कड़ी हैं। आप किसी के बहकावे में आकर के अपने जाट भाइयों को मत अत्याचार करो, मत मारो, क्योंकि इन लोगों से आपका वजूद है, आपका वजूद इन लोगों से है जो लोग ये घटना करवा रहे हैं सरकार की आड़ में। ये सरासर गलत हो रहा है, ये अपराध हो रहा है, क्योंकि सरकार तो आनी जानी है, हम लोगों को यहीं रहना है। तो साथियों, आप लोग राजनीति करें अच्छी बात है, लेकिन समाज के लिए करें, समाज से ना करें। और युवा संगठन की टीम साथियों कल भी आंदोलन में पहुंची थी, और मैं अभी बीते दिनों कल मैं कानपुर से आया हूं, जहां पर अनामिका यादव की, मेरी बहन की हत्या कर दी गई थी, उसके लिए हमने दर्जनों गांव में
और हजारों कार्यकर्ताओं साथ में साथ हमने कैंडल मार्च निकाला। हम लोग किस तरीके से एक कदम अपने ओबीसी भाई की तरफ बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि साथियों जाट समाज अगर कोई अत्याचार किसी गुजर भाई जाट भाई यादव भाई होता है तो हम लोग आपकी लड़ाई लड़ने काम करते हैं, आपके लिए ज्ञापन देना काम करते हैं। जो हमने कानपुर में करा अनामिका यादव बहन के लिए हमने वहाँ पर कैंडल मार्च निकाला। तो साथियों इस भाईचारे को बना कर रखें और जो भाई आसपास के हैं, अपराधी किसी जाति मजहब का नहीं होता, किसी परिवार का नहीं होता, जो अपराधी है वो अपराधी चाहे मेरे घर से क्यों ना हो, तो भाई अपराधी को अपराध की सजा मिलनी चाहिए। और जो बुलंदशहर का प्रशासन है वो सरकार के दबाव में काम ना करे, अन्यथा ऐसा ना हो कि ये आंदोलन एक विशाल रूप ले ले और कहीं फिर ना तो केंद्र की सरकार कितनी औकात होगी ना यूपी की सरकार कितनी औकात होगी कि इस आंदोलन को संभाल पाए। और मैं स्वयं जल्दी ही बुलंदशहर अपने पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहा हूं और पहुंचूंगा साथियों। और आपसे और अपील करूं, जो दिल्ली के लोग हैं वो भाई से मिलें, अभी ये ट्रामा सेंटर रहेंगे और इनकी मदद करें। और साथियों इस बहुजन समाज की सौगात को बचा लो, बचा लो जो बाबा साहब ने पैरिया साहब की विचारधारा चलाई, बचा लो जो बाबा साहब ने ललित यादव की विचारधारा चलाई, बचा लो इस वो विरासत को कि जो आप लोग सदियों से सुनियोते आ रहे हैं, अन्य खुद मुट्ठी भर लोग आपको तोड़ कर रहे हैं। साथियों जय भीम नमो।